यहाँ लाइट की कमी है और ये सब बना रही हैं चूल्हे में। हाय गाइस, ये मेरी बहन बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी भाभी है, मेरी बाथरूम में पा ये मेरी बुआ है। बुआ को दिखाई दे रहा हूँ। क्या चूल्हे में बन रहा है खाना? हम बना रहे हैं रोटी। क्या हो रही है? चोखा बाटी की पार्टी। चोखा है पर बाटी नहीं। सबने मिलके थोड़ा थोड़ा हेल्प करी। बरदा नानी रोटी दे दी। अम्मा की तरह पंधेला। अम्मा ठीक है। बुआ बुआ देखो इधर ऐसे। थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, उस पे ध्यान मत दें। और बाहर है सब जिया जी लोग। अत्तु भैया सोच सोच की बात है, जो आदमी की काट। और जल रही है आग। ये जिया जी आग के साथ बढ़िया नाइट डिनर। हाँ खाना टेस्टी कर रहे। हाँ भैया रुक जाओ, हम आते हैं, उसे अभी बता रहे हम। लो श्रेया इस पोर्शन से बना। ऐसे ना खा पाओ, पैर ना खा के खाली रखे रखे खाने में खा चाहिए। हट ना दीदी, ये तो पतला रखने वाला चाहिए। ढाबा वाला सही है। जय भगवानी। आग जल रही है बगल में। अब बताइए का बढ़िया आनंद लीजिए। बताइए खाना कैसा होना? बहुत बढ़िया बेटे, बढ़िया लजीज मस्त, यानी कि देसी खाना है ये। आप बताइए मौसा जी। बहुत अच्छा बेटे, मोलन भरता और लिया। बड़े वाले मौसा जी बताइए। बढ़िया है खाना एकदम। गांव वाला स्वाद आ रहा है कि नहीं? गांव से और अच्छा बिकरी। हटो आप बताइए। आज बेटा बहुत अच्छा खाना लगा हमको हमारे गांव के। ये देखिए। हां हां बेटा अगली बार कब आएंगे फिर? अरे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे आने के लिए। चलिए मामा जी के पास चलते हैं। बताइए मामा। ये देखिए आग भी जल रही है, हम लोग पैर भी सेकते जा रहे हैं, हाथ भी और आराम से आनंद, भोजन का आनंद जो लग रहा है बहुत बढ़िया। खाना भी बहुत बेस्ट है, खाना तो एक नंबर टेस्टी, बहुत टेस्टी। नत्थू भैया उनके यहाँ जाते हैं तो वो मसाला डाल के भून के बनाते हैं। हम लोग में अधिकतर भरता जो बनाते हैं भून के और सिर्फ मिर्च के और धनिया प्याज डाल के नमक डाल के बस ऐसे और तेल डाल के बनाते हैं। एक थोड़ा सा अलग स्वाद आता है इसका। जी बताइए आपने खाना कैसे बनाया है? हमने जी ने तो पकाया। आपने क्या ये क्या बना रही हैं? आप आप बताइए आसम मामी, आपने क्या क्या बनाया है? क्या क्या बनाया आपने? मैंने बनाई नानी, आपने क्या बनाया? हमने बनाई रोटी आलू बैंगन को भर भरता और बनाई पाई के चूल्हे में रोटी। बताइए खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। अनुज आप बताओ। एकदम मस्त बना। चलिए चलते हैं मामी को देखते हैं, मामी क्या कर रही हैं। ये है मामी, बताइए। मैं अपने लड़का संभाल रही हूँ। हर्षु रो रहा है बहुत ज्यादा और मैं बैठी हूँ तो बस खेले जा रहा है। और भरता मैंने बनाया है, दाल चावल मैंने बनाया। चलो खाना खाओ।
सबने हेल्प करी है मतलब, लेकिन हाँ सब लोग बोल रहे बहुत अच्छा खाना बना है। सबसे बड़ी वाली दीदी है, उनका सबसे छोटा वाला बेटा है अनुज। अभी को फोकस करो, कैमरा मैन फोकस करो बस। सब लोग खाने की तारीफ कर रहे हैं, बोला बहुत अच्छा खाना बना है। ये सही है मामी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्रमोट कर दे। और ये श्रेया है, हमेशा हेल्प करती है हमारी ब्लॉग बनाने में। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पीयूष है अरुज का बड़ा भाई, हमारी बड़ी दीदी का सबसे बड़ा बेटा। वो आ रहा है अभी, भाग गया किसी को मोबाइल देने के लिए। और श्रेया का भी लगता है कि न्यू चैनल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चैनल श्रेया ना बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करने लगी है ना अनुज, है ना बहन जो मेरी है। और ये हमेशा की तरह छोटे भाई के खिलौनों से खेलता हुआ छेड़ता हुआ, और ये भाग गया है दौड़ के। कह रहा बहन जो मेरी है। हाँ इस बात से ही तो बच्चे तो मेरे हो तुम लोग। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे इन लोगों का भी खाना शुरू हो चुका है, हमारी कन्याओं का बाद में खाया। कन्या कुमारी हमारी, इन दोनों की दोनों, मोटू पतलू मेरी खाना खा रहे हैं। अभी सब जेंट्स खा चुके हैं, बच्चे खा रहे हैं, फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि बर्तन सारे भिड़ चुके हैं तो धोना पड़ेगा, क्योंकि हम दो जन रहते हैं तो ज्यादा हम लोगों के पास बर्तन नहीं तो काम चलाना पड़ता है, बस ऐसा है। शुरू है शुरू हो गई है, आग सेंकी बस, और क्या बढ़िया गर्म हो जाइए, फिर बिस्तर में घुस जाइए, सीधा कल की थकान परसों की थकान एक साथ मिट जाए। सर्दी का आनंद ले रहे।